हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। बिलाल भाई, मैं A24 न्यूज़ से बात कर रहा जी। भाई बोलिए हूँ जी। भाई, ये HYC के बारे में आपका जी। ओपिनियन नहीं आया, तो आपका ओपिनियन क्या है बोलने के लिए कॉल करा था मैं आपको, आप जरा अगर क्या बोले तो। क्या बोलूं भाई, उसके बारे में मेरी क्या ओपिनियन है। मैं तो इतना ही बोलूंगा, बच्चों को खाने का तरीका नहीं मालूम। बच्चे जाके दारू सलाम से खाने का एफिलेशन ला लेते, उसके बाद अगर खाते तो कोई शहर में सवाल नहीं करता भाई। एक बार जाके साहब के साथ एक सेल्फी खिंचा लेते, उसके बाद शहर खा जाओ पूरा, कौन पूछने वाला है। एक सेल्फी ले लो साहब के साथ, उसके बाद वेंटेज फंक्शन हॉल खा जाओ, महबूब फंक्शन हॉल खा जाओ, किंग्स कोहिनूर खा जाओ, पहाड़े शरीफ दादा की 480 एकड़ जमीन खा जाओ, अत्तापुर की 480 एकड़ जमीन खा जाओ, और मीर ममून साहब की पहाड़ की जो है 390 एकड़ जमीन खा जाओ, कोई नहीं पूछता। अब ये बच्चों को खाने का तरीका नहीं मालूम, एक एफिलेशन ला लेते, उसके बाद खाते तो फिर खाने का मजा ही अलग आता। अब इन लोगों के पास एफिलेशन नहीं है और खाली खा ले रहे हो, तो क्या बात है। जी भाई, ज्यादातर कॉल रिकॉर्डिंग सुधार रहे हैं उन लोगों के। यही ऐसा यही मुद्दा सेक्रेटेड मस्जिद का, अंबरपेट मस्जिद का नहीं उठाए ये MIM वाले। अब ये बच्चों के पीछे इतना पड़ गए, समझ में नहीं आ रही बात है। आखिर क्या है ये प्लानिंग ये? मैं अपने आप को आज हैदराबाद देखते हुए बड़ी शर्मिंदगी मेरे को महसूस होती है भाई, कि मैं हैदराबादी हूँ। हैदराबाद जैसे शहर में 2 मस्जिदें शहीद हो जाती, 3 मस्जिदें शहीद हो जाती और 2 आशुरखाने शहीद हो जाती, और जो लोग हिंदुस्तान भर के अंदर अपने आप को जो है मुसलमानों के रहबर, मुसलमानों के लीडर बोल के अपने आप को जो हिंदुस्तान भर के अंदर फिरते, उनके हैदराबाद के दारू सलाम से सिर्फ 2 किलोमीटर के दूर पे 2 मस्जिदें शहीद हो गई जो सेक्रेटेरिएट के अंदर है, और दारू सलाम से 4 किलोमीटर दूर पे अगर जाते हैं तो 4 किलोमीटर दूर पे अंबर पेड़ है, वहां पर 1 मस्जिद और 1 आशुरखाना शहीद हो जाता। लेकिन बात यहाँ की 2 किलोमीटर की नहीं करते, 2000 किलोमीटर जो हैदराबाद से अयोध्या है वहां जाके बात करते, उस ताल्लुक से बात करते। आप देखो, आपको मैं साथ ही साथ और एक भी वाक्य याद दिलाता हूँ। आलेर में एक इनकाउंटर हुआ था जो 6 बच्चों को मार दिए थे, उसके दूसरे दिन भोपाल में एक एनकाउंटर हुआ था, उसके दूसरे दिन हुआ था भोपाल में एक एनकाउंटर हुआ था। असदुद्दीन अवैसी साहब प्राइम टाइम पे बैठ के भोपाल के एनकाउंटर पे नेशनल मीडिया को हिला दिए, लेकिन विहार के मामले पे आवाज नहीं उठाए। वो कई को नहीं उठाए बोलते, वो KCR की गवर्नमेंट है ना जी। तो वैसी ही यहाँ पर जो है KCR की गवर्नमेंट है, इस वास्ते मस्जिदों की शहादत की बात नहीं करते, लेकिन बाबरी मस्जिद पे बराबर बोला जाता है। देखो थोड़ी लॉजिक भी समझने की जरूरत है इस वक्त अपने को। बाबरी मस्जिद का देखो, नरेंद्र मोदी पूजा का ऐलान करके ये बात का ऐलान भी साथ ही साथ कर दिया कि बिहार के इलेक्शन राम मंदिर की पूजा के एजेंडे पे किया जाएगा। बिल्कुल। और अपने ही चैनल पे, खुद अपने चैनल पे अपने दोस्त को बिठा के अपने खिलाफ बुरा बोलने लगा दिए, मुस्लिम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ताकि हिंदुस्तान भर के अंदर जितने हिंदू भाइयां जो सेक्युलरिज्म को मानते वो लोग, ताकि जो है इनकी ये एक इनका भाषण सुन के उनके लोग जो है ये महसूस करते कह रहे, देखो भाई मुसलमान, असदुद्दीन अवैसी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुसलमान की बात करूँ, देखो भाई मुसलमान हमारी राम मंदिर की पूजा पे भी एतराज करता, तो नोटबंदी, ट्रिपल तलाक, कोरोना, लॉकडाउन, भूखमरी, रेलवे पे बच्चे जो मरे, लेबरों की जो तकलीफ, रेल के ट्रैक पे जो लेबर मर गए, ये सब भुला देते और सिर्फ राम मंदिर की बुनियाद पे हिंदू भाई भी मजबूर हो गया कि बीजेपी को वोट देने के लिए। तो ये इनडायरेक्टली काम किसका करते जी? बीजेपी का। एग्जैक्टली, तो इन्हीं बातों से समझ में आता है कि इनडायरेक्टली बीजेपी को जिताने के लिए कामयाब हो गए। मोदी जो बोला वही चीज पे वो फॉलो कर रहे हैं। अब रही बात HYC की, भाई देखो क्या पहला पहला स्कैंडल है HYC का हैदराबाद में। जी जी, वही एक अजब तमाशा बना के रख दिए, वही अजब तमाशा कर दे रहे हैं। बना के रखे बोले तो ये बच्चे मासूम है जी, मासूम बच्चों को नहीं मालूम भाई। एक बार जाके दारू सलाम के सामने पेट में मुंडी डाल देते, सर पे हाथ रखवा लेते, उसके बाद पूरा शहर खा जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है।
जी एक बार जाके साथ के साथ सेल्फी खींच लेते हैं, उसके बाद जो विंटेज फंक्शन हॉल खा जाओ, महबूब फंक्शन हॉल खा जाओ, किंग्स कोहिनूर खा जाओ, बगबोट की 480 एकड़ जमीन खा जाओ, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज खा जाओ, सब नहीं पूछता कहीं क्यों बोले तो सेल्फी एफिलेशन एफिलेशन चाहिए। तो एफिलेशन एक बार अगर मिल जाता तो उसके बाद खाने पे कोई नहीं पूछता था। अब ये बच्चे क्या है, थोड़ा इंडिविजुअल काम कर रहे थे, इंडिविजुअल काम किसी को पसंद नहीं आता भाई, तो वो रहता उससे क्या बोलेंगे, छोड़ो खैर वो बच्चों को फंस गए, फंस गए तो निकलेंगे। और मैं तो ये बोलूंगा अगर बच्चों के वाकई अगर कंप्लेनर्स है तो जितने डोनर्स है क्या 40 लाख रुपये 50 लाख रुपये क्या आधे घंटे में दो आदमी डाले बराबर है, फिर 40 लाख का मेरे हिसाब से कम 400 डोनर्स होना चाहिए। जी बराबर है, क्योंकि बिगेस्ट अमाउंट इज 25,000 एंड द लोएस्ट अमाउंट इज विच इज ट्रांसफर ऑन द गूगल इज 2 रुपीज, तो आप देख लीजिए कितने होते 50 लाख के, 50 लाख के करीब करीब 400 डोनर्स होते, 400 डोनर्स आना ना कंप्लेन करना ना जी, कि हमारे साथ 9 साथी बोले कंप्लेन करना, सिर्फ 2 डोनर्स 4 डोनर्स को ले लेके तमाशा करे तो नहीं होता जी, आना पूरे जितने आदमी जो है पैसे डोनेट करे पूरे लोग आना आके कंप्लेन करना, नहीं कर सकते कहीं को नहीं कर सकते, बोल तो बच्चे जितना पहुंचाना है उतना पहुंचे बराबर पहुंचे जी, अब उसके पीछे कोई लगे तो छोड़ो क्या बोलेंगे उसके पीछे। चलिए भाई शुक्रिया आपके लिए, ओके शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।